सबको थैंक यू सो मच। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ?
थैंक यू टोनी जी, थैंक यू सोहन जी, थैंक यू वैशाखी, थैंक यू संगीता, थैंक यू चैनल एंड थैंक यू फुल मास्टर स्ट्रोक टीम। जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इस रोल के लिए, जो मैं मतलब बहुत रोते हुए लोगों ने मुझे देखा है, इसमें आप कुछ अलग देखेंगे, मुझे मेरा विचित्र रूप देखेंगे आप लोग उसके लिए। थैंक यू सो मच हर एक टीम को जो मेरे साथ यहाँ पे सेट पे रहते हैं, शूट करते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हमारी टीम इसी पॉजिटिविटी के साथ में काम करे। हम दिन रात एक कर देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, शो को उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक लोगों ने सोचा नहीं होगा। आपको मेरे से तेज बोलना, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोग को इस बात की कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और अच्छे से हम लोग का प्रोमो, हमारा शो लॉन्च हुआ है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आर प्रोड्यूसर्स, द होल टीम, क्रू मेंबर्स, एवरीवन इंक्लूडिंग आर स्पॉट दादा एंड जो भी पीछे इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरी प्रोसेस में सब ने बहुत मेहनत की है और हम उम्मीद यही करते हैं कि हम ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम को करते जाएँ और इस शो को एक बहुत ही बड़ा शो बनाएं, हिट करें इसको। बस मेरे लिए तो ऑलरेडी ये बहुत लकी है बर्थडे बन चुका है, बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे और मैं बहुत खुश हूँ। और फर्स्ट एपिसोड देखा तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आई एम डूइंग दिस शो। एंड यस, एक शो को बनाने के लिए हर किसी की एफर्ट्स की ज़रूरत लगती है, चाहे एक्टर्स हो, कोई भी हो मतलब। बट ये होता है कि सबको अगर हम एक साथ मिलके हम काम करते हैं तो फिर वो अच्छा प्रोडक्ट सामने आता है। तो विल मेक श्योर कि हम हमेशा इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी माइंडसेट के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ। हाँ, ईमानदारी के साथ काम करें और वो फिर सामने दिख भी जाएगा। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आप मतलब बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अगर आप बताना चाहें किस तरह का आपने ये शो है, कुछ अगर आप। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स को, जो बहुत स्वीट हैं। बोलते हैं कि जब जो एक फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर होता है ना, वो हमारे लिए वो है, मतलब एक माँ बाप जो होते हैं वो हमारे लिए वो हैं। जब वो अच्छे हैं तो ऑफकोर्स टीम का होना बहुत जायज़ सी बात है, बिल्कुल अच्छे ही हैं। तो हमारी टीम बहुत अच्छी है और सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि हम जब भी काम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, जहाँ पर बरकत होती है वहाँ पर हम आगे बढ़ते ही बढ़ते। हमारी टीम इतनी अच्छी है, हर कोई जो कैमरे के पीछे है, क्योंकि सबका नाम नहीं ले सकते हैं, जितने लोग काम करते हैं और जो कैमरे के सामने हैं, सब एक अच्छे एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। एंड ब्लेस्ड है कि हमें इतना अच्छा शो, इतना अच्छा स्टोरी के साथ एक शो मिला है। और आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो में देखेंगे, वो एक टिपिकल वो फैमिली ड्रामा नहीं देखेंगे कि जहाँ पे फैमिली ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ये कुछ अलग लेकर आया जो आज तक आपने किसी शो में नहीं देखा होगा। तो आई थिंक हम बहुत लकी हैं, हमें इतनी अच्छी टीम, हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर, चैनल, सब अच्छा अच्छा मिला है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। मैम, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते हैं, किस तरह का कैरेक्टर है? समझ में नहीं आया आपको देखने में? कमाल कर दिया उसने, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा क्या किया उसने। अरे बहुत अच्छी चीज है, जैसे उसका कैरेक्टर है वो रियल में बहुत अच्छी है। तीन गुना ज्यादा है वो, कम करवाते हैं उसको, बोलते हैं थोड़ा हल्का जा। चल बोल दे। मैं क्या बोलूं? ये देखो, आज मेरा कैरेक्टर बिल्कुल जस्टिफाई हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल बोलने का मौका दिया नहीं जा रहा है। बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, बिल्कुल सच है, क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है श्रुति प्ले करने में। एब्सोल्यूट, जब मुझे सर ने बताया कि आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा, मैं अंदर तो ऐसे ऐसे हो रही थी, मैंने कहा यार ये प्ले करने को खूब प्ले करने को मिलेगा इन अ वे, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया सर। और बाकी शो भी ऐसा इतना बढ़िया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इस पे कहानी चल रही है, इस पे हर एक कैरेक्टर की एक कहानी है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। यस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर, आप लोग क्या कह रहे हो?